कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हर संडे जंधारा फाउंडेशन एक सम्मान समारोह का आयोजन करती है और इस श्रृंखला में इस रविवार को थाना निगोहा के सभी पुलिस कर्मचारियों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मास्क वितरण की शुरुआत के साथ सभी पुलिस कर्मियों के कोरोना के दौरान जीवन के अनुभव, माननीय सीओ साहब के जीवन के अनुभव व अन्य कर्मचारियों के साथ प्रोग्राम बहुत ही मनोरंजक और जागरूकता से भरा हुआ था। सभी ने इसमें भरपूर आनंद लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। आपका बहुत बहुत सीओ साहब स्वागत है। जेपी सिंह साहब इस थाने के सचिव हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पति परिवार की तरफ से अनाड़ी जी प्लीज आप माय मंच पे आसीन हो। एसएसआई साहब कुर्सी लगवा दीजिए रजनीश। ये है ना जो घरों में डरे दुबके बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग लोगों को भी समझाते थे, सरकार के भी काम निपटाते थे और लोगों की जरूरत की चीजों को भी पहुंचवाते थे, अपनी जान जोखिम में डाल के। और जो मरीज होते थे उनकी भी सेवा करते थे। अगर मैं इनकी गिनती गिनना शुरू करूं तो पूरा समय इसी में बीत जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए कनिष्ठा जी ने भी कोरोना काल में बहुत काम किए हैं। सर पहले तो चाहूंगी सीओ साहब अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं और ये जरूर बताएं कि कोरोना के ड्यूरेशन में उनके साथ लाइफ में क्या कोई चैलेंजिंग हुई या कोई ऐसा इंस्पिरेशनल उनके जीवन में कोई इंस्पायर करने वाली घटना हुई या कोई दुखद घटना हुई या उनके परिवार में भी क्या कोविड में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो वो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि ये एक मानसिक स्वास्थ्य की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप अपने मन की कोई बात हो जो लोगों तक शेयर करें। थैंक यू कनिष्ठा जी। मेरे साथ वैसे ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई ना मेरे परिवार के साथ। मैं बहुत गुजार हूँ भगवान का कि हम लोग इस कोरोना काल में पूरी तरह सुरक्षित रहे, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा जो फ्रंट लाइन में हमारे पुलिस कर्मचारी और अधिकारी लगे रहे, जो डॉक्टर्स लगे रहे और आप जैसे जो स्वयंसेवी संगठन जो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये इंश्योर किया कि लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जाए। कोरोना पूरे प्रभाव में था, रोडें सूनी थी, ट्रेन बंद हो चुकी थी, लोग अपने घरों में थे और काफी संख्या में पैदल लोग दिल्ली हरियाणा और इत्यादि जगहों से बंबई से पैदल बाइकों से आ रहे थे। उस समय की स्थिति मैंने फेस की है जब रोडों पर ढाबे भी बंद थे, कहीं खाने को नहीं मिलता था, कोई साधन नहीं मिलता था। उस समय पुलिस ने वास्तव में मैंने मेरे अधिकारियों ने सभी ने अप्रिशिएट किया कि जो महिलाएं बच्चे लेकर चल रही थी उन्हें एक समय ऐसा आया जब हम लोगों ने नियम विरुद्ध चलकर भी उन बच्चों को जितना अपने से हो सका बिस्किट टॉफी दिए और कोई महिला ज्यादा परेशान है तो उसके उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी, ये जानते हुए कि कोरोना चल रहा है और लिफ्ट देना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने सहायता की। इसी तरह का पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस तरह से पुलिस ने कार्य किया जिसमें लीक से हटकर सभी लोगों को संसाधन न होते हुए रोड के किनारे स्टॉल लगाकर भोजन वितरित करवाया, पैदल चलने वालों को साधन उपलब्ध कराए, एक साथ रोडवेज से बात करके भी किया। ये हाथरस में था उस समय में, डीएम साहब ने स्पेशल रोडवेज बसों को हायर करके जितने भी लोग राजस्थान और दिल्ली से आ रहे थे उन्हें रोक कर एक एक जिले को, उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं जहां तक संभव हो सका हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक बस में यात्रियों को बैठा के रवाना किया। इस स्थिति से पुलिस की बहुत स्थिति जो छवि है वो सुधरी कि पहले लोग कहते थे पुलिस चौराहों पर पैसे लेने के लिए खड़ी होती है, लेकिन जब रोडें सुनसान थी कोई नहीं था तब भी पुलिस खड़ी हुई थी, रात में भी पुलिस खड़ी हुई थी। यहां पर की माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से डायल 112 ने काफी महिलाओं को सुरक्षित उनके घर तक भी पहुंचाया। ऑफिसर्स और पुलिस आरक्षियों ने, हेड कांस्टेबल ने, सभी ने ग्रामीण लोगों में जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी उन्होंने अपने पैसे से, यहां तक कि अपने पैसे से राशन खरीद कर दुकानें खुलवाकर ये इनके इन प्रकार उनको भोजन उपलब्ध कराया। सारी रोडें सुनसान थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, सभी लोग घर पर थे, रोड पर मौत नाच रही थी, फिर भी पुलिसकर्मी रोडों पर खड़े हुए थे। कई पुलिसकर्मी ऐसे थे, मैं भी उनमें से एक था, जो लगभग 4 महीने तक अपने घर नहीं गए कि कहीं ऐसा ना हो मेरे घर जाने से कोरोना घर पहुंच जाए। तो इसके लिए मैं सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक
धन्यवाद अदा करता हूं कि इतना सब किया और पब्लिक में एक अच्छा मैसेज किया। और मुझे लगता है कोरोना काल के बाद से ही पुलिस की छवि में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेता हूं। धन्यवाद। जन आधार फाउंडेशन पदाधिकारी मौजूद है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और क्या क्या हम लोगों ने किया कोरोना काल में तो सभी आप लोगों ने देखा भी और जनता ने भी देखा, जैसा कि हमारे अधिकारियों ने भी अवगत कराया आपको। लेकिन मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगा कि उस मेरे कार्य की आपने सराहना किया और उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र। थैंक यू, धन्यवाद। सम्मान करें बुके देके तो आइए। अनिश्का जी एसओ साहब का सम्मान करें प्लीज। रजनीश जी प्लीज आप माला पहना। रजनीश जी प्लीज आप। सबसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान तो सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन पति गरिमा को भी देखना पड़ता है। हाँ, हमारे अनाड़ी जी हैं, प्लीज अनाड़ी जी है, पति परिवार से हैं और पति परिवार का छोटा सा परिचय अनाड़ी जी भी देंगे। और मैं सरेन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए, मैं राजीव जी का सम्मान करें प्लीज। आप बैठिए बैठिए, आगे बढ़िए आप। इस संस्था को आगे बढ़ाने में रजनीश जी का जितना योगदान है उसको हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, क्योंकि ये हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं। देखिए अभी भी कह रहे हैं कि सम्मान करिए, लेकिन ना बैठ रहे हैं राम समूह ना सम्मान ले रहे हैं। आप करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कनिष्का जी से कहूंगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग पीछे भी रह गए हैं, प्लीज महिलाएं और महिलाओं लोगों को तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। प्लीज कनिष्का जी आप महिलाओं बस माला पहना के सम्मानित करें। इधर ही आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप समाज सेवी हैं आप, पीछे सर के पास उधर से प्लीज एक उधर। हाँ उधर भी आप मैना पहना सकती हैं। आप तो पहना सकती हैं आप इधर। ये काम हमको दीजिए।